क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये है ओप्पो K10 जो कि न्यूली इंडिया में लॉन्च हो चुका है और जो इसकी प्राइसिंग रखी गई है वो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अगर बात करूँ इसकी वेरिएंट की तो दो वेरिएंट्स आपको यहाँ पे ओप्पो K10 में देखने मिलते हैं। एक है 6+128GB और दूसरा है 8+128GB। और अगर बात करूँ इनकी प्राइसिंग की तो 6+128GB की जो प्राइसिंग है वो है 14,990 रुपीज और इसी के साथ में 8+128GB की जो प्राइसिंग है वो है 16,990 रुपीज। और इतना ही नहीं, अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो आपको पे इंस्टेंट 2,000 रुपीज का डिस्काउंट देखने मिल जाएगा स्मार्टफोन पे। और इसके बाद में जो इसकी प्राइस निकल के आती है वो हो जाती है 12,990 रुपीज। और ये प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, काफी प्रीमियम डिजाइन, काफी अच्छे स्पेक्स के साथ में आता है और जिसका फर्स्ट सेल है वो 29 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है। तो उससे पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। और इतने ही नहीं, Oppo Enco Air 2 भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है स्मार्टफोन के साथ में ही और इस वीडियो में दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहना और सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं Oppo K10 से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बॉक्स है वो काफी हरा भरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा ग्रीन कलर में जो कि काफी अच्छा लगता है। और इसके अलावा K की ब्रांडिंग आपको बॉक्स के ऊपर देखने मिल जाती है। 8+128GB मेरे पास यहाँ पे स्टोरेज के मामले में और इसके अलावा बॉक्स पे आपको एज सच और कोई ज्यादा डिटेल्स देखने नहीं मिलते हैं। बाकी बॉक्स को ओपन करने में सबसे पहले आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने मिल जाएगा जिसके अंदर आपको सिम इजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और साथ में एक ट्रांसपेरेंट केस देखने मिल जाता है जिसकी क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छी लग रही है। और इसके अलावा आपका जो मेन स्मार्टफोन है वो यहाँ पे देखने मिल जाता है और इसके बाद में 33 वॉट का आपको पे चार्जिंग एडाप्टर देखने मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही और साथ में आपको पे टाइप सी वाला चार्जिंग केबल देखने मिल जाता है। और गाइस ये रहा मेरे पास ओप्पो K10 जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है जैसे कि आप बैक साइड में देख सकते हैं। डुअल टोन आपको यहाँ पे फिनिशिंग देखने मिल जाएगी, एक है मैट और दूसरा है हल्का सा ग्लॉसी और इसी पे आपको 10K सुपर परफॉर्मेंस लिखा हुआ दिखाई देगा। साथ में बॉटम में आपको यहाँ पे ओप्पो की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है और जिसका कैमरा डिजाइन है वो भी आपको यहाँ पे काफी प्रीमियम लुक देता है। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे दो डिफरेंट कलर्स देखने मिल जाते हैं, एक है ब्लैक जो है मेरे पास और साथ में जो दूसरा कलर है वो है ब्लू वाला। अगर बात करूँ इस ब्लैक कलर की तो ये काफी क्लासी और काफी प्रीमियम लुक देता है। बाकी इसके अलावा साइड्स में आपको यहाँ पे कर्वी एजेस देखने मिल जाते हैं और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है हाथों में। बाकी अगर बात पोर्ट्स एंड बटन्स की तो टॉप में आपको पे एक सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने मिल जाता है, साथ में लेफ्ट हैंड साइड में आपको पे वॉल्यूम की बटन देखने मिल जाएगा और साथ में आपको पे सिम ट्रे देखने मिल जाता है। और ये जो सिम स्लॉट है वो आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने मिल जाता है, यहाँ पे यहाँ पे दो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड तीनों एक साथ में लगा पाएंगे जो कि काफी अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर बात करूँ राइट हैंड साइड की तो आपको यहाँ पे पावर बटन देखने मिल जाता है जहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिल जाएगा, यानी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको स्मार्टफोन में देखने मिल जाता है। और अगर बात करूँ बॉटम की तो बॉटम में आपको यहाँ पे 3.5mm जैक देखने मिल जाएगा, माइक्रोफोन देखने मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट और साथ में स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट एंड साइड में आपको यहाँ पे पंच होल कैमरा देखने मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा जो ओवरऑल इसका वेट है वो 189 ग्राम के आसपास देखने मिल जाता है और हाथों में बहुत ज्यादा भारी नहीं लगता है, कंफर्टेबल है। बाकी ओवरऑल अगर बात करूँ इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेकर तो इस प्राइस पॉइंट में आपको जो इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी एंड काफी प्रीमियम देखने मिल जाती है, स्पेशली जो इसके बैक साइड में डुअल टोन डिजाइन है उसकी वजह से ये काफी ज्यादा यूनिक लगता है। वहीं पे अगर बात करूँ स्मार्टफोन में डिस्प्ले की तो 6.59 इंच का आपको पे फुल HD प्लस का LCD डिस्प्ले देखने मिल जाता है विद 90Hz रिफ्रेश रेट और इसके अलावा आपको पे वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन देखने मिल जाता है, साथ में 600 nits का आपको पे ब्राइटनेस देखने मिल जाता है। इसके अलावा जो उसका डिस्प्ले है वो दिखने में काफी ज्यादा सही लगता है, कलर्स काफी अच्छे हैं, फुल HD प्लस का डिस्प्ले है तो जो डिटेलिंग से शार्पनेस है वो सारी चीजें आपको पे काफी अच्छी देखने मिल जाती है, इवन जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी आपको पे अच्छे देखने मिल जाते हैं। और जब भी आप कोई कंटेंट वगैरह वॉच करेंगे स्मार्टफोन पे तो प्राइस के हिसाब से जो एक्सपीरियंस है वो आपको पे काफी अच्छा देखने मिल जाता है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि काफी वैल्यू फॉर मनी पैकेज लगता है ओप्पो की तरफ से। सो अगर बात करूं इसके परफॉर्मेंस को लेकर तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने मिलता है स्नैपड्रैगन 680 वाला प्रोसेस जो कि 6nm पे बेस है। बाकी इसके अलावा जो स्टोरेज कॉम्बिनेशन है वो आपको 6+128GB और 8+128GB का स्टोरेज देखने मिल जाता है। और अगर बात करूं रैम टाइप की तो LPDDR4X वाला आपको रैम देखने मिल जाता है, साथ में अगर बात करूं स्टोरेज टाइप की तो UFS 2.2 वाला आपको स्टोरेज देखने मिल जाता है। बाकी इसके अलावा इसमें आपको वर्चुअल रैम देखने मिल जाता है अप टू 5GB तक, यानी आप यहाँ पे 5GB तक इसके रैम को एक्सपांड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा
अलावा मैंने यहाँ पे कुछ टेस्टिंग भी की थे ओप्पो के 10 में, और अगर बात करूँ सबसे पहले यहाँ पे स्टोरेज स्पीड की, तो आप देख सकते हैं रीड एंड राइट स्पीड आपको यहाँ पे काफी अच्छा देखने मिल जाता है। इसके अलावा मैंने गीकबेंच स्कोर को भी यहाँ पे टेस्ट किया था, तो 380 आपको सिंगल स्कोर में देखने मिल जाता है और 1500 के आसपास का स्कोर आपको मल्टी कोर में देखने मिल जाता है। बाकी इसके अलावा बात करूँ एंटीटू स्कोर की, तो इसे टेस्ट करने पे 275,000 के आसपास का मुझे यहाँ पे स्कोर मिला था। और अगर बात करूँ यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस की, तो अगर आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो आप इसे मैक्सिमम स्मूथ प्लस हाई सेटिंग्स पे खेल पाएंगे। बाकी इसके अलावा आप इसे बैलेंस भी खेल पाएंगे, लेकिन जो बेटर एक्सपीरियंस है वो आपको पे स्मूथ प्लस हाई सेटिंग्स पे देखने मिलेगा और अराउंड 30 FPS के आसपास का आपको परफॉर्मेंस देखने मिल जाता है पबजी में या फिर BGMI में। बाकी रियल लाइफ में जो स्मार्टफोन है वो काफी फास्ट और काफी स्मूथ परफॉर्म कर जाता है, और परफॉर्मेंस के मामले में आपको ऐसी कोई दिक्कत देखने नहीं मिलेगा ओप्पो के 10 में। इसके अलावा बात करूँ सॉफ्टवेयर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिलता है और साथ में कलर ओएस 11.1 देखने मिल जाता है। और अगर बात करूँ यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो जैसे कि आप सभी को पता है जो कलर ओएस है वो काफी इनहेंस हो चुका है, और जब भी आप ओप्पो के 10 को यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये काफी स्मूथ यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है इवन 90Hz के साथ में। जो ऑप्टिमाइजेशन है वो यहाँ पे काफी अच्छे से किया गया है, तो जो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने मिलता है सॉफ्टवेयर का वो आपको यहाँ पे काफी अच्छा देखने मिल जाता है। साथ में कस्टमाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, और इसी के साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स देखने मिल जाते हैं, जिसमें से एक मुझे यहाँ पे काफी सही लगा जिसका नाम है एयर जेस्चर, जो कि मुझे यहाँ पे काफी यूनिक एंड काफी इंटरेस्टिंग फीचर लगा। बाकी इसके अलावा जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे काफी बढ़िया देखने मिल जाएगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और गाइस अगर बात करें इसके कैमरास को लेकर, तो रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने मिल जाता है, जहाँ पे जो मेन कैमरा है वो 50 MP का f/1.8 का एपर्चर आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, और बाकी के दो कैमरास आपको यहाँ पे 2 MP के देखने मिल जाते हैं, एक है पोर्ट्रेट मोड के लिए और एक है मैक्रो मोड के लिए। बाकी फ्रंट साइड में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाएगा। और अगर बात करें इसके कैमरा सैंपल्स की, तो ये रहे स्क्रीन पे इसके कुछ कैमरा सैंपल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रियर साइड के इमेजेस है वो आपको यहाँ पे काफी अच्छे देखने मिल जाते हैं, शार्पनेस काफी अच्छी, डिटेलिंग्स काफी अच्छी, कलर्स काफी बढ़िया आ जाते हैं। और इसके अलावा जो 50 MP है उसमें भी आपको जो रिजल्ट है वो बेटर देखने मिल जाता है। बाकी इसके अलावा स्मार्टफोन में जो पोर्ट्रेट मोड है वो आपको पे काफी बढ़िया देखने मिलता है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं बल्कि बोके प्लेयर पोर्ट्रेट मोड देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में जो बोके बनता है वो आपको पे काफी बढ़िया देखने मिल जाता है। जब भी आप पोर्ट्रेट मोड को यूज करेंगे तो जो रिजल्ट है वो आपको पे काफी अच्छा देखने मिल जाएगा, जो कि आपके आंखों को काफी अच्छा लगेगा, सोशल मीडिया पे आपके काफी अच्छा लगेगा। बाकी अगर बात करूँ फ्रंट कैमरा की, तो सेल्फी भी आपके काफी अच्छे आ जाते हैं, इवन जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी आपके काफी अच्छे से वर्क कर जाता है, और सेल्फीज में भी आपको जो डिटेलिंग्स वगैरह वो भी काफी अच्छी देखने मिल जाती है, कलर्स काफी अच्छे बन के आ जाते हैं, एंड ओवरऑल जो आपको इमेजेस देखने मिलते हैं इसके कैमरा से वो प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पे अच्छे देखने मिल जाते हैं। साथ में जो नाइट मोड है वो भी यहाँ पे अच्छे से काम कर जाता है, सो ओवरऑल जो कैमरा है वो आपको इस प्राइस पॉइंट में अच्छा देखने मिल जाता है। बाकी इसके अलावा बात करूँ बैटरी लाइफ की, तो स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी तो देखने मिलती है, साथ में 33W का चार्जिंग एडाप्टर आपको बॉक्स के अंदर देखने मिल जाता है, जो कि आपके स्मार्टफोन को काफी तेजी से चार्ज कर देगा। बाकी इसके अलावा बात करूँ सिक्योरिटी फीचर्स की, तो स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ में फेस अनलॉक देखने मिल जाता है, और दोनों के मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को, तो ये मैंने इसे टच किया, ये ओपन हो गया, टच किया ओपन हो गया, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी फास्ट है, काफी तेजी से ये स्मार्टफोन को अनलॉक कर देता है। बाकी इसके अलावा जो इसका फेस अनलॉक है उसे भी यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, तो ये ओके। तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो जो फेस अनलॉक है वो काफी फास्ट और काफी अच्छे से वर्क कर जाते हैं, एंड काफी अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे दे देते हैं स्पीड के मामले में। बाकी एक चीज तो मैं आप सभी को बताना भूल ही गया कि स्मार्टफोन में आपको डुअल स्पीकर देखने मिल जाते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जिसके स्पीकर की क्वालिटी वो आपको यहाँ पे काफी अच्छी देखने मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैंपल की, सो गाइस प्राइस के साथ जो इसके स्पीकर्स है वो आपको वहाँ पे काफी अच्छे देखने मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स का भी एक्सपीरियंस जो है वो आपको वहाँ पे काफी बढ़िया देखने मिल जाता है स्मार्टफोन में। बाकी इसके अलावा क्विकली बात कर ली जाए ओप्पो एनको एयर 2 की, तो यार मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, एंड इसने मुझे काफी हद तक इंप्रेस कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका केस है यार वो काफी ज्यादा मिनिमल एंड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, व्हाइट कलर में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जिसका टॉप वाला पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट है और एक काफी पतला और लाइट वेट है, जब भी आप अपने पॉकेट में इसे रखेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि अपने पॉकेट में आपने कोई ईयरबड्स का केस वगैरह रखा हुआ।
हुआ है। बाकी इसके अलावा जो उसके बर्ड्स है वो हाफ इन ईयर स्टाइल के साथ में आते हैं और ये कानों में काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं और जो दोनों की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वो आपको वहाँ पे काफी बढ़िया देखने मिल जाती है। बाकी कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 देखने मिल जाता है, आपके स्मार्टफोन से काफी तेजी से कनेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें आपको ऐप एक्सेस देखने मिल जाता है जहाँ पे आपको ऐप कंट्रोल देखने मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा ऐप में इसके लिए आपको साउंड इफेक्ट के दो मोड देखने मिल जाते हैं, एक है बेस बूस्टर और साथ में क्लियर वोकल्स, ये दोनों मोड आपको वहाँ पे देखने मिल जाएंगे, साथ में नॉर्मल मोड भी है। तो मुझे पर्सनली बेस काफी ज्यादा पसंद, तो मेरे लिए बेस बूस्ट वाला एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। बाकी इसके अलावा इसमें आपको जो टच कंट्रोल है वो देखने मिल जाता है और इसे आप यहाँ पे इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी ऐप की मदद से आप यहाँ पे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो कि ओप्पो के ईयरबड्स में काफी अच्छी बात होती है। और इसके अलावा इस ईयरबड्स में आपको IPX4 की रेटिंग देखने मिल जाती है, 24 आवर्स की आपको बैटरी लाइफ देखने मिल जाएगी, 80 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी भी आपको देखने मिल जाती है। सो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा और बेटर देखने मिल जाएगा विद दिस ईयरबड्स। और इन सब के अलावा AI नॉइस कैंसिलेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है कॉलिंग के लिए, और जो ओवरऑल पैकेज निकल के आता है वो आपको पे काफी अच्छा देखने मिल जाता है। और जो इसकी प्राइसिंग रखी गई है वो है 2500 रुपए, यानी 2499 रुपीज। और इस प्राइस पॉइंट में यार जो इसके डिजाइन बिल्ड क्वालिटी है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है साउंड का, वो आपको काफी बढ़िया देखने मिल जाएगा। अगर आपको बेस वगैरह पसंद है तो जो एक्सपीरियंस है वो आपको काफी बढ़िया देखने मिलता है, और जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है वो भी काफी तगड़ी है प्राइस के हिसाब से। तो डेफिनेटली अगर आपको 2500 में एक स्टाइलिश और साथ में अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ में ओप्पो का एक ईयरबड्स है, देन डेफिनेटली आप ओप्पो एनको एयर 2 के लिए जा सकते हैं। और गाइस इसी के साथ में इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपसे भी कोई वीडियो पसंद आएगा। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई डाउट है ओप्पो K10 या फिर ओप्पो एनको एयर 2 को लेके, तो नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं उन सभी का आंसर करूंगा। बाकी कॉमेंट करके ये भी बताना कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, ओप्पो K10 कैसा लगा, साथ में ओप्पो एनको एयर 2 कैसा लगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और इसी के साथ में अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं देन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी क्लिक करना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेगी। और मैं मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।